साउंड आउटस्टैंडिंग, पैरेलल ट्विन में आउटस्टैंडिंग साउंड है भाई। तो जी ये है बेनेली की 500 सीसी बाइक, जो कि महंगी आती है अपने सेगमेंट में। वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर है इनलाइन ट्विन सिलेंडर। होता क्या है, आपने पैरेलल ट्विन इंजन का साउंड सुना होगा तो वो खटखट खटखट होता है थोड़ा सा, है ना। लेकिन इनलाइन ट्विन टेक्नोलॉजी किस टाइप से होती है ये देखो, ये लगता नहीं है कि ये इनलाइन ट्विन है ना, दो सिलेंडर लगते नहीं है, ये लगते हैं। लगती है जैसे इनलाइन 3 हो या फिर इनलाइन 4, और अगर हाईवे पे अगर हम लोग जा रहे हैं उसको लेके और डी एक्सेलरेशन करें फ्लाईओवर से उतरते हुए या तेज स्पीड में, तो कैसा साउंड आता होगा इसका? साउंड देखो जबरदस्त है, क्योंकि जो बेनेली है वो इट्स नोन फॉर इट्स रोर। कहा जाता है कि बेनेली अपनी रोर के लिए जानी जाती है। लियोनचिनो जो इनका स्पेसिफिकली मॉडल है वो इनका स्पेशल इसलिए है क्योंकि इनका जो लोगो है वो सिर्फ इनके इसी मॉडल पे आता है, लियोनचिनो पे। इसके अलावा ये लोगो इनके किसी बाइक पे नहीं है। ये तो शेर है ना? हाँ जी, क्योंकि लियोनचिनो का मतलब है द कब ऑफ लॉयन। लॉयन, या शेर बिठा रखा है इन्होंने फ्रंट फेंडर में। यहाँ पे छोटा सा दे देते हैं आपको। मेंटेनेंस में इसकी अभी तक एक सिंगल सर्विस हुई है। सिंगल सर्विस जो इसकी पहली सर्विस थी वो थी 1000 किलोमीटर पे, वो अराउंड पड़ी थी मेरे को 6000। पहली सर्विस 6000 की पड़ी थी? हाँ जी। और सेकेंड कितने की पड़ेगी? क्योंकि इनकी पहली सर्विस के अंदर ही ऑयल चेंज फिल्टर चेंज वो कंपलसरी है। अच्छा। लियोनचिनो मतलब कि जो बेनेली की बाइक्स हैं इनके अंदर पहली सर्विस पे ही ऑयल चेंज कर देते हैं। अच्छा। फिल्टर चेंज कर देते हैं पहली सर्विस। अब जो सेकंड सर्विस है वो अब नेक्स्ट मंथ में करवाऊंगा, तो देखते हैं कितने की पड़ेगी। अगर कुछ और पार्ट्स चेंज नहीं होते हैं इसके तो लगभग लगभग सेम ही पड़ेगी। अभी तक कोई प्रॉब्लम आई है इसमें? प्रॉब्लम वैसे कभी नहीं आई है, बस थोड़ा सा एक हीटिंग इशू होता है। वो तो इतनी बड़ी बाइक है, इतना बड़ा सिलेंडर है, थोड़ा सा आपको लगता है जब आप गर्म जगह पर जाते हो। लेकिन वैसा कोई इशू नहीं आया है कि जहाँ पे मैं कह सकूँ कि मैं इससे डिसअपॉइंटेड हूँ किसी भी वे में। और इनलाइन ट्विन और जो इसका जो वो होता है ना स्टॉक लेवल, वो काफ़ी छोटा होता है, तो इसमें जल्दी जल्दी जो पिस्टन होते हैं ऊपर नीचे आते हैं, इस वजह से इन बाइक्स का साउंड इस टाइप का होता है। अच्छा, इससे पहले लेने से पहले इसको कौन कौन से ऑप्शन देखे थे आपने? मैंने देखा था ट्रायम्फ का ट्राइडेंट 660 में, इसके अलावा बेनेली की ही एक और आई थी नई क्रूजर 502। इसके अलावा तीसरी जगह मैं गया नहीं, उसमें भी सेम ही इंजन है वैसे देखा जाए। हाँ जी, इंजन बिल्कुल सेम है उनका, फ़र्क नहीं है। साउंड भी सेम है, बस उसका मॉडल थोड़ा सा अलग है। वो घूमने वो वैसे वाले लोगों के लिए आराम से जा रहे हैं, करने के लिए आराम से करना है वो है। ये बेसिकली थोड़ा सा जाता है नेकेड स्ट्रीट फाइटर टाइप में ना। हाँ जी, हाँ जी, है ना। इसके अंदर कंपनी इसको क्लेम करती है स्क्रैम्बलर लुक, पर स्क्रैम्बलर है नहीं दूर दूर तक, क्योंकि स्क्रैम्बलर मेनली ऑफ रोडिंग के लिए काम आती है और ये ऑफ रोडिंग के लिए है नहीं। जितना सा ग्राउंड क्लीयरेंस है इसको आप अच्छी ऑफ रोडिंग में नहीं कर सकते। तो ये जो मोटरसाइकिल आप इस वक्त देख रहे हैं ना, ये 46 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो कि हॉर्स पावर जो कि क्रिएट होती है 46.8 BHP की। ये बाइक है 500 cc की मोटरसाइकिल है, ये 6 लाख रुपए के बजट के अंदर या फिर उससे कम भी, क्योंकि इन्होंने तो इंश्योरेंस वगैरह और वो सब चीज़ें। अच्छा, ये चीज़ें लेनी मैंडेटरी है या फिर छोड़ नहीं? मैंडेटरी कुछ नहीं, मैंडेटरी कुछ। रोड असिस्टेंट इसलिए लेना अच्छा होता है क्योंकि मैं जब राइड करता हूँ मैं काफ़ी लंबा राइड करता हूँ, जैसे मैंने क्या हुआ है दिल्ली टू पुणे विद इन 48 आवर्स, 17 आवर्स कंटिन्यूसली मैंने बाइक चलाई। जब आप ऐसा करते हो तो रोड असिस्टेंट मैं मानता हूँ बहुत ज़रूरी है, रस्ते में कुछ भी हो सकता है, तो एक तरह से बैकअप होता है आपके पास कि अगर कुछ भी हो गया तो विद इन अ कॉल आपके पास कोई ना कोई अवेलेबल होगा। एक बार ये दोबारा से अगर हम इसका साइड लुक दिखा दें ना, तो बाइक का साइड लुक कुछ इस टाइप का है। सस्पेंशन यहाँ पे मिलती है, ये एडजस्टेबल सस्पेंशन है रेयर जो है ना, तो इसको अगर ऐसे कर देंगे तो ये लो और हाई हो जाती है, बेसिकली टाइट और लूज हो जाती है। तो जैसे कि भाई की हाइट है 5.5 और मेरी है 5.10, तो यहाँ ये देख लो मैं भी इसमें कंफर्टेबली बैठ रहा हूँ। ऐसा नहीं और है कि आप भी कंफर्टेबल, हाइट वालों को थोड़ी सी दिक्कत है या फिर उनको कहीं ना कहीं हाइट की इशू आ रहा है, ये लॉन्ग राइड हाइट वालों के लिए, लो हाइट वालों के लिए, दोनों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल। अच्छा, इसका ये हैंडल काफ़ी सही सा लगा मेरे को, ये जो हैंडल है इसका है ना, ये हैंडल ब्रॉड है। हाँ, ब्रॉड है, थोड़ा सा ऐसे करके है कि आपको कोई टेंशन नहीं होनी है, बिल्कुल आप अपना जो कमर है उसको सीधी करके चल रहे हो। लॉन्ग राइड के हिसाब से पोस्चर बहुत अच्छा लगता है, लॉन्ग राइड में कभी भी आपको बैक पेन की दिक्कत नहीं महसूस होगी। लॉन्ग राइड के हिसाब से बहुत अच्छी लगी मेरे को बाइक। एक बार पास आके दिखाओ, यहाँ पे एक बटन है ABS का,
तो ये इसमें आता है लगा हुआ? और नहीं, ये इनका इनबिल्ट है, इनबिल्ट है इसमें। आप जैसे बाइक चालू करोगे तो ABS इनका डिफॉल्ट मोड ऑन होता है। अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या फिर आपको स्टंट्स व्हीली करनी है तो यहाँ से ABS ऑफ हो जाता है। अच्छा, ये तो इन्होंने बढ़िया सी चीज़ दे दी है भैया। ये हर एक कंपनी को देनी चाहिए ABS ऑफ करने का स्विच, क्योंकि जब स्टॉप ही मारनी है आपको लगेगी नहीं, जब व्हीली मारनी है लग जाएगी, लेकिन फिर वो ये कि आप डोनेट वगैरह नहीं मार सकते हो अगर आपको स्टंटिंग का शौक है तो, है ना। तो ये वाली एक प्रॉब्लम होती है, सिवीली लगती है, स्टॉप ही नहीं। और इसके बारे में कोई ऐसी खासियतें हैं जब आप इसको ले रहे थे, या फिर जौन जौन सी भी चीज़ों का आपने ध्यान रखा इसके अंदर, लुक्स और स्पेसिफिकेशन को छोड़ के? एक, मेरे को इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी लगी। आप इसको जब ब्रेक यूज़ करते हो, इसमें फ्रंट में डुअल वो आ जाते हैं डिस्क। फ्रंट में डुअल डिस्क का डिज़ाइन ना एक ऐसा प्रीमियम किस्म का डिज़ाइन है जो किसी भी बाइक का जो लुक है उसको बहुत ज़्यादा इनहेंस कर सकता है, है ना। अब मैंने कुछ देखा है, जैसे कि हार्ली डेविडसन की भी अगर बात करें तो उनका जो स्ट्रीट मॉडल था उसके अंदर भी ये सिंगल डिस्क आती थी पहले, सोचो वो ठीक है, और उसके अंदर भी सिंगल डिस्क आती थी। इसके अंदर जो ये डबल डिस्क है, एक बार और क्लोजअप से दिखा दो, ये जो लुक है ना ये बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, प्रीमियम हो जाता है। इसी से पता चल जाता है कि भैया जो कोई बाइक जा रही है ये यहाँ की नहीं है, ये बाहर की बाइक है। लोगों का क्या रिएक्शन होता है इसके अंदर, कि लोग क्या पूछते हैं भाई कौन सी बाइक है? देखिए, इसकी जो प्रेजेंस है, रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है। एज अ बाइक देखने में लगती है बहुत छोटी कि, लेकिन जब रोड सुनते हैं या फिर चलती हुई जब दूर से आवाज़ आती है तो आदमी को लगता है कोई पावरफुल मशीन आ रही है। तो रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है बाइक का। रोड प्रेजेंस तो है, नो डाउट, अभी दिखाऊंगा मैं। तो बाकी इसकी जितनी थ्रोटल है, जिस हिसाब से पिकअप लेती है बाइक, ब्रेकिंग भी उतनी ही पावरफुल है और कॉन्फिडेंस देती है। आप ब्रेक करते वक्त कन्फ्यूज नहीं होते हो कि थोड़ा हिसाब से लगाएं कहीं किट ना कर जाए, काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ ब्रेकिंग कर सकते हो। तो जब आप ट्रिप पे जाते हो सीधी सीधी बाइक चलाते हो, थोड़ा बहुत लीन भी करते हो? देखिए, जब बाइक स्टार्ट होती है, जब आपकी राइड स्टार्ट होती है, जस्ट आप सिटी को छोड़ के हाईवे पहुँचते हो तो उस टाइम तो सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। पर जब राइड करते करते 3-4 घंटे हो जाते हैं तब होता है कि हाँ आप उसमें आ चुके हो कि आप क्रूज मोड करते हैं, सीधी सीधी चलाओ, है ना। अच्छा, वैसे इनको इस वाले सेगमेंट के अंदर, क्योंकि 6 लाख रुपए का सेगमेंट है 500 cc, तो काफ़ी ये प्रीमियम है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी है देखा जाए तो, इनको एक क्रूज मोड भी देना चाहिए इसके अंदर। या ये मेरे को एक थोड़ी सी लगी कि अगर इसमें क्रूज मोड और होता तो राइड करते वक्त और ईजी हो जाता है, और इजी हो जाता है। और अब तो बाइक्स में एडास वगैरह सिस्टम भी आने वाला है कि आगे कोई आ गया तो खुद ब खुद ब्रेक लग जाएगी, और भी काफ़ी सारे फीचर है, बाइक आपको खुद बोल के बताएगी कि आगे कुछ है, आगे कुछ है, देख लो। इसके अंदर अगर क्रूज वाला एक फीचर होता, क्रूज कंट्रोल, तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। एक बार मैं फिर से इसका साउंड सुनाना चाहूँगा सबको, तो ये है इग्निशन का साउंड, ये है राइडर्स पोजिशन पर देखिएगा, और ये वाला जो साउंड है ये है, जब आप इस बाइक को देख रहे होंगे रोड पे तो ये कैसा साउंड कर रही होगी। तो मैं माइक यहाँ पे छोड़ता हूँ और यहाँ से जाता हूँ बाइक को, वैसे ये जो साउंड है भाई, ये अगर हर एक बाइक के अंदर आ जाए, क्योंकि 2 सिलेंडर वाली है तो मज़ा आ जाएगा। वाह, चलो चले, आउटस्टैंडिंग पैरेलल ट्यून में आउटस्टैंडिंग साउंड है भाई। ये जो ओनर है ना इसके, ये जाते हैं इस बाइक को लेके बहुत दूर दूर। कहाँ कहाँ गए हो आप? मैंने इस बाइक से दिल्ली टू शिमला, दिल्ली टू गोवा। दिल्ली टू गोवा, भाई मजा आ गया होगा बीच में तो? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो आप राइड्स वगैरह करते हो इन सबको रिकॉर्ड करके कहीं पे डालते हो? हाँ जी, मेरा बाबा ऑन बाइक करके चैनल है। बाबा ऑन बाइक, या बाबा ऑन बाइक, बाबा मैंने नाम इसलिए चूज किया कि मैं सोलो राइड्स करता हूँ, तो लोग बाग मेरे दोस्तों ने भी ये कहना शुरू कर दिया मेरे को, तो नाम भी इंटरेस्टिंग लगा। तो मेरा खुद का चैनल है बाबा ऑन बाइक करके यूट्यूब पे, वहाँ पे मैं व्लॉग्स वगैरह डालता रहता हूँ। बाबा के चैनल पे आशीर्वाद जरूर मिलेगा, कंटेंट अच्छा हुआ तो आप भी आशीर्वाद जरूर दे देना, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दिखा देते हैं। अगर ये 6 लाख रुपये की बाइक थी ना, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को डिजिटल या कुछ कलरफुल कर देते ये लोग? देखिए, अगर इस ढंग से चले हैं तो एक और इसमें मैं ऐड ऑन करूँगा जो मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा पर्सनली, जब सिटी राइड करते हो तो क्लच आपको हार्ड लगाता है थोड़ा सा, क्लच अगर इसके अंदर स्लिपरी क्लच होता तो थोड़ा सा जो सिटी राइड है वो इजी हो जाती। स्लिपर क्लच नहीं है इसमें? नहीं, स्लिपर क्लच नहीं है इसमें, स्लिपर क्लच नहीं है एक तो, दूसरा इसके अंदर एक वो नहीं है क्रूज कंट्रोल, जो कि चलो नहीं है वो तो क्रूज कंट्रोल तो कोई बात नहीं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा सा और इम्प्रेसिव,
थोड़ा सा LCD लुक के अंदर और दे सकते थे। अभी तक बाइक में क्या क्या एक्सपेक्टेशन थी 6 लाख रुपए देने के बाद जो कि नहीं मिली, और क्या क्या बुरा लगता है इसमें? बस एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि सिटी राइड करते वक्त कहीं ना कहीं मन में होता है कि एक जो एक वो होता है ना कि यार ना ही करने पड़ी तो अच्छा है, हम इसको लेके चल रहे हैं तो सीधा हाईवे पे क्यों ना चले, तो वो थोड़ा सा है क्योंकि सिटी राइड के अंदर एक तो वेट बहुत है बाइक के अंदर, अपने सेगमेंट में अंदर काफ़ी हैवी बाइक है, तो उसके अंदर थोड़ा सा टाइट क्लच महसूस होना क्योंकि जिस ढंग से हमारे दिल्ली के अंदर भीड़ है, क्राउड है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये सिटी राइड में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग है। हैंडलिंग कैसी है इसकी? हैंडलिंग बड़ी पावरफुल। टॉर्क? हैंडलिंग इतनी ज़बरदस्त है इसकी, आप 120 की स्पीड पे इसको लीन कर दो कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि अब बाइक स्लिप हो जाएगी आपकी। हैंडलिंग अच्छी है, मतलब बहुत प्यारी हैंडलिंग। टॉर्क कैसा है इसका जब आप भीड़ में से निकालते हो उसको थ्रॉटल देके, तो टॉर्क फील होता है? देखिए मैं बताऊंगा, फर्स्ट गियर के अंदर जो मैंने अभी तक इसका मैक्सिमम टच किया है वो है 80 तक मैक्सिमम टच कर दिया, तो मतलब इसमें के अंदर लोअर एंड टॉर्क भी है और मिड रेंज। सिक्स्थ गियर के अंदर आप इसको इजीली 60 की स्पीड पर चला सकते हैं। सिक्स्थ गियर में ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ दिक्कत नहीं आती है कि आपको बार बार गियर शिफ्ट करने हैं भीड़ के अंदर, लेकिन बस थोड़ा सा क्लच का थोड़ा इशू आता है, बाकी मैं ओवरऑल सेटिस्फाई हूँ बाइक से। मतलब मिड रेंज टॉक जो है वो काफ़ी अच्छा है बाइक का ना, कि आपको मिड रेंज में मिलता है बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर, लेकिन मिड के अंदर जैसे थ्रॉटल देते हैं वो भागती है बाइक निकलने के बाद। और जब ये इसी कभी टॉप स्पीड पर भगाया आपने इसको? जो मैंने अभी तक चलाई है वो है 175। कंपनी जो क्लेम करती है वो मोर देन 180 करती है। 175 में ये नहीं कहूँगा कि मेरा मैक्सिमम था, जिस ढंग का रोड था 175 के बाद मैंने ठीक है सोचा 175 हो गई ना, 175 मैंने टच किया बस। दिल बात रखो, बोलो हो गई, बस आगे से देख देख डाक के करेंगे। तो गाइस ये है लियोनचिनो प्रोनाउंस करते हैं ना इसको, लियोनचिनो 500 है ना, जो कि 6 लाख रुपए की आती है। ऑनर से हमने आपको मिलवाई दिया है, इसके जो भी खूबियाँ हैं जो भी इसकी कमियाँ हैं वो सब कुछ हमने बता दिए। इसका अपग्रेडेड मॉडल आने वाला है, तो अगर आप ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसी बाइक और आप पसंद कर रहे हैं कुछ ऐसी इन बाइक्स को, तो ये वाला वीडियो आपको हेल्प करेगा, है ना? बिल्कुल, क्योंकि ऑनर की जो राय होती है ना वो बिल्कुल ऑनेस्ट होती है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन, बाय बाय।